रोहतांग में हो क्या है कि आप देखो इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज का ये स्पेशल लाइव सेशन है, अगर मुमकिन हो सकेगा तो हमारे जो रिपोर्टर्स है वो भी आपसे जमीन से जुड़ेंगे और जमीन पे लोग क्या बोल रहे हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन बात किस बात पे करेंगे, चर्चा क्या होगी ये भी आपको बता देते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें से सबसे ज्यादा नजर जिसपे है वो एमपी पे है। एमपी एक बड़ा राज्य है, वहां पे 20 सालों से जो बीजेपी है वो काबिज है। 1 साल में तख्ता पलटवार हुआ वो अलग कहानी है, लेकिन 20 सालों से जहाँ पे बीजेपी है अब वहां पे क्यों उसको लग रहा है कि उसकी जड़ें थोड़ी हिल रही है, क्योंकि जो वहां पे डीएम है उनका उनको अभी तक टिकट नहीं मिला। किसको टिकट मिला है जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री है? क्या पीछे कुछ और कहानी है? क्या जो बीजेपी है वो डरी हुई है इसीलिए वो सांसदों को टिकट दे रही है और उन सीटों पे ज्यादा ध्यान दे रही है जहां पे वो पिछले साल हार गई थी? ऐसे में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी हैं जो न्यूज लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। रोशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। प्रनीता है बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोशन जी आपके पास आएंगे इस बार, एक बार जब हम 2018 की बात करते हैं, जब हम तो उस समय की बात करें हम, तो एक लहर होती है बीजेपी की लहर जिसमें पीएम बनते हैं पीएम मोदी, जिसमें अगर यूपी की बात करें तो वहां पे सीएम बनते हैं, लगातार 2 बार सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ। उसी लहर में लगातार 2 बार सीएम बनते हैं, वो अलग बात है कि पीएम मोदी की ही लहर चल रही है पूरे देश में। और कोई नाम नहीं है बीजेपी के लिए, और कोई बड़ा चेहरा नहीं है, पीएम है। और हाँ वो अलग बात है कि यूपी में सीएम है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कहीं पे अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं, पार्टी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्या है आपके पास इसका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात करें कि देश का सबसे बड़ा पार्टी जो है बीजेपी है, और बीजेपी का जो लहर की अगर बात करें तो भारत में लोगों के बीच में काफी इसका वर्चस्व कायम रहा है। 2014 की बात से लगातार बीजेपी हमेशा फ्रंट पे रहा है, और विपक्ष का आपने देखा इंडिया अलायंस जो हुआ था, आपने उसमें भी देखा था कि 28 पार्टियां जो है वो जुड़ करके मोदी को हराना चाहती है। तो ऐसे में लोगों के नजर में भी आता है आखिर ऐसा क्या है अकेला मोदी में कि जो इतने लोगों को जुड़ना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट भी ये बीजेपी के साइड में जाता है और बीजेपी की जो पलड़ा है उसे भारी कर देता है। तो मध्य प्रदेश का भी जो चुनाव होने वाला है, और मध्य प्रदेश में भी वहां पर भी आप देख सकते हैं हिंदुत्व का जो कार्ड है वहां भी नजर आता है, वहां पर भी जाति समीकरण को देखी जाती है। तो ये जरूर मतलब कहा जा सकता है कि कभी भी राजनीति में लोग कहीं भी आते हैं। हाँ पंडित, आप कुछ कह रही हैं? मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सर्वे किए हैं न्यूज एजेंसीज ने, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल उसमें सामने आया कि लोग कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग देखिए कमलनाथ की तरफ पंडिता, ज्यादा झुक रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपका कटाक्ष करूंगा कि आप कह रही सर्वे की बात। सर्वे चुनाव के पहले जरूर आते हैं, कितने बार मतलब सर्वे होते हैं तो गलत भी साबित हो जाते हैं, कितने बार सच भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन से पहले लोग कुछ और कहते हैं, इलेक्शन आते आते लहर बदल जाता है, लोग जज्बात बदल जाते हैं, सोच बदल जाता है, वो फिर एक जगह एक साइड में फिर चल देते हैं। जहाँ भीड़ जाती है वहाँ लोगों को जाते हुए अक्सर देखा है, और पहले जो बात आती है अक्सर वो लहर में नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हैप्पी। एक दिन पहले आचार संहिता लागू होने से पहले भी बहुत सारे वोटर हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक चली जाती है, वो अलग अलग रणनीति बनाते हैं पार्टी के। एक दिन पहले क्या काम करना है, हम छोटे छोटे गांव में जो प्रधान प्रधानी की चुनाव होती है उसमें भी ये देखने को मिलता है। जमीनी रूप से हम देखते हैं कि कैसे एक दिन पहले, एक महीना बहुत बड़ा बात होता है, अभी तो हमारे पास 2 महीने बचे हैं इलेक्शन शुरू होने के लिए, तो बहुत सारी चीजें अलग होती है। लेकिन जो आपने एक बात कही थी, धर्म का कार्ड खेलना जो होता है, हिंदू मुस्लिम का धर्म कार्ड खेलना, जातिवाद का कार्ड खेलना, ये हर राज्य में होता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शुरू से ही इस कार्ड को खेल के वोट बटोरती रही है। इस बार एमपी में धर्म का कार्ड खेलेगी नहीं खेलेगी वो अलग बात है, लेकिन देखिए देखिए, बीजेपी मैं ये भी आप नहीं कह सकती, बीजेपी जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उसका ख्याल जरूर रखती है, लेकिन अब कौन इस पे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि यहाँ भी खेल खेलना होता है, राजनीति भी एक खेल की तरह ही है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है प्रियांशी, कि आखिरकार कब और कैसे कौन सी जाति के लोगों को लाया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, तब जाकर के जीत मिले। कभी कभी विकास के नाम पर भी होता है, कभी कभी जो लोकप्रियता जो होती है लोकल बेसिस पे वो भी काफी असर कर जाता है। और बाकी जो साइड की अगर बात करें तो ये जो जातिगत समीकरण है ये काफी मायने रखता है, और मध्य प्रदेश भी एक ऐसा इलाका है कि जहां पर लोग को जातिगत समीकरण के हवाला देते हुए उन्हें अपने तरफ आकर्षित कर लिया जाता है। जी आप कुछ कह रही थी, और बीजेपी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ही नहीं, कमलनाथ ने भी हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो मंदिर में जा रहे हैं,
वहां पे बहुत क्या आपको लगता है हैप्पी जी की फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ट्रेंड बीजेपी चलाते आ रही है हिंदुत्व का कार्ड खेलने का, वो फॉलो कर रहे हैं आपको लगता है कि बीजेपी अगर वो फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है, कॉपी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन कॉपी कॉपी ही होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। तो जो शुरुआत से ओरिजिनल को लेकर के आगे बढ़ाया, जिन कड़ी को आगे लेकर के वो चलते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिट है। लेकिन जो कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है आज के बाद जब बीजेपी थोड़ा सा डाउन हो तो शायद उनको उस टाइम फायदा हो, लेकिन अभी फिलहाल में जो बीजेपी का कुनवा है, आप अगर जमीनी स्तर पर देख रही हैं, अगर लोगों के घर घर जाकर के आप जांच कीजिएगा, तो कुछ घर में जरूर कांग्रेस की बात आएगी, कुछ जगह पर अन्य पार्टियों की बात आएगी, कुछ जगह निर्दलीय भी काफी असर कर सकते हैं। लेकिन बात जब आती है कि बहुमत की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहा है, और आप सर्वे देखिए, लोगों की बात देखिए और जमीनी हकीकत देखिए, तो बीजेपी आगे जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार की बात करें तो आप अगर जाके लोगों से बात करेंगे, आप सर्वे देखेंगे, तो इसमें पता चलता है कि लोग खासा नाराज है बीजेपी से। 20 सालों से बीजेपी काबिज है, उनको कहीं ना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, बहनों को लेके वहां जरूर अपने बहनों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहने साथ देंगी, लेकिन अभी भी अगर जाके पूछिए तो लोग नाराज है। बहुत सारे लोग बीजेपी के उम्मीदवार वहां से हट जाते हैं, दूसरा चेहरा लेके आते हैं तो वोट देंगे, नाराजगी है, कुछ हर चीज अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन विकास की बात करें, 20 साल से जैसे बीजेपी वहाँ अपना वर्चस्व कायम किए हुए, 2018 को बात करते की उसको 1 साल जो कांग्रेस है उस बात को अगर हटा दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने जो किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का भरोसा था, तभी तो उतने दिनों से है। ऐसा तो नहीं है कि पहले बिल्कुल मतलब कुछ नहीं किया, ऐसे ही दोबारा से बन गए, तो कहीं ना कहीं दोबारा के बाद असर जरूर कहीं ना कहीं फीका नजर आ सकता है, लेकिन अभी भी बीजेपी असरदार है, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। और हर लोगों से हमारी जो MP के मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं उन सबसे बात नहीं हुई है हमारी, और जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा कुछ योजनाओं की बात आएंगी, लोगों को लुभाने वाली बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं जो होती हैं राजनीति में, वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे, हथगंडे अपनाए जाएंगे, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। और ये चुनाव है जी, जनता सर्वोपरि है, जनता आखिरी वक्त में क्या फैसला लेती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अहम हो जाता है। ये तो बोलने के लिए कब कौन क्या बोल जाए कोई ठीक नहीं, लेकिन आखिर में जो हम बहुमत वोट जब देते हैं वो वोट काफी मायने रखता है, और वो वोट के दिन ही पता चल पाता है कि हाँ अब कौन आने वाला है। आप बोल रही थी हैप्पी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो CM शिवराज है वो आए दिन एक नए नए बयान दे रहे हैं। रविवार 1 अक्टूबर को वो सीहोर गए थे, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। ऐसे ही उन्होंने दूसरा बयान दिया था 3 अक्टूबर को बुधनी में कि मैं चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू। तो मैं इस पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या CM शिवराज को डर है कि वो आगामी चुनावों से जाने वाले हैं? देखिए, कुछ वक्त है कब कहाँ कि इसको लेकर जाएगा, और वक्त है, समय रहते सब कुछ पता नहीं चल पाता है, कभी समय बीतने के बाद पता चलता है, कभी समय बीत जाता है तब पता, कभी समय से पहले भी पता चल जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की जो दिल की बात है, उन्होंने जो बयान दिए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच करके बोले होंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होगा, भावात्मक भाव से लोगों को जोड़ने की एक ये क्या बोलते हैं हथकंडा भी हो सकता है, और या फिर कोई उनकी दिल की वो गहराई से आई हुई एक अल्फाज हो सकती है, जिस शायद हम और आप आज शब्दों में सुन रहे हैं, और उसका कोई निष्कर्ष और निर्णय हम नहीं ले सकते हैं और हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये समय के साथ मतलब सबके सामने आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। आप जो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं ना, आप जो घुमा घुमा के हमें बता रहे हैं, और बीजेपी की जो चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है। बीजेपी का कोई CM खड़ा नहीं है, बीजेपी सिर्फ PM मोदी को वोट ले रही है, चाहे वो कर्नाटक का भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां भी कांग्रेस जो है वो भारी मतों से जीती, बहुमत के साथ आई थी, जहां भी बोला जा रहा था बीजेपी कभी भी विकास की बात नहीं करती है। बीजेपी प्रियांशी, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो किसी को ये पता तक नहीं था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के ख्याल से अगर देखा जाए तो, लेकिन वहां जब चेहरा क्लियर नहीं किया गया, तो हो सकता है कि यहां भी कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। लेकिन हैप्पी जी, उस समय की बात करें तो उस समय यूपी में तब बीजेपी नहीं थी, अभी आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उनको अभी तक टिकट भी नहीं दिया गया है, वो बार बार बयान दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, इनको इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी को अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है? जनता
थोड़ा सा देखिए प्रियांशी, मैं कहूंगा कि इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है हमारे और आपके लिए, थोड़ा सा वक्त के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि वक्त के बाद कर्नाटक में साफ हो गया था, लगता है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी साफ हो जाएगा। प्रियांशी क्या कहा आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। वक्त के साथ जैसे कर्नाटक में साफ हो गया था वैसे ही मध्य प्रदेश में भी साफ हो जाएगा। नहीं नहीं देखिए, ये बात जो आप करी साफ हो जाएगा ये तो जनता पर डिपेंड करता है कि किसको साफ करना चाहती है, कौन सी बात साफ करनी चाहती है। लेकिन अभी हम और आप यहाँ बैठ करके ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी बात साफ है, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कब कौन सा वक्त क्या फैसला सामने ला करके मैं तो वही उसी रिजल्ट की बात कर रही हूँ, जनता से जो सर्वे आया है सामने उसकी बात कर रही हूँ। जनता खासा नाराज है बीजेपी को लेके और बार बार बोल रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो उस सर्वे की बात कर रही हूँ मैं। देखिए अगर जनता नाराज है और जनता खुश नहीं है, जनता के लिए काम नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अगर सत्ता बदलना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता की संख्या जो है उसकी अगर तिहाई अगर खुश है तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन अगर नहीं है और उनके पास ऑप्शन अच्छा है, उन्हें लगता है कि कोई प्रतिनिधि है जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो उसके साथ जा सकते हैं जनता के पास। तो यह भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ के जितने भी राज्य हैं हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से ही हर कुछ सुनियोजित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, अगर जनता नाराज है तो फिर जाहिर सी बात है बीजेपी की पत्ता कट जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ आंकड़ों के साथ अगर जा रहे हैं, कुछ लोगों से बात करके ये बात कह दे रहे हैं कि वहाँ की जनता नाराज है, तो फिर शायद ये गलती होगी या फिर वक्त के साथ ये सही नहीं होगा, मेरे ख्याल से। क्योंकि जनता को अपने पक्ष में लाना बीजेपी बखूबी जानती है, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। यही बात मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के पास ऐसे बहुत सारे एजेंडा हैं, बीजेपी के पास इतना दिमाग है, वो देश को चला रहे हैं, बीजेपी इस वक्त देश में काबिज है, तो कोई ना कोई टेक्निक ऐसा लाएंगे अचानक से कि फिर से एक लहर आएगी और एक लहर सबके दिमागों को बदल देगा। और फिर मुझे लगता है कि बीजेपी जो लोग नाराज है शायद फिर कुछ पल के लिए खुश होंगे और फिर से बीजेपी की सत्ता वहां पर आ सकती है। लेकिन ये पूर्ण रूप में नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। कुछ कह रही थी आप हैप्पी जी की इन बातों पे, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? मैं यही बोल रहा चाहूंगी, हैप्पी जी जो हैं वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का सपोर्ट नहीं, ये मतलब एक गहराई से जुड़ी हुई बात है जो सच्चाई से सरोकार रखती है। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि आप बीजेपी को जीतने और हारने की बात करते हैं, 20 साल की मैं जिक्र कर रहा हूँ, 20 साल से बीजेपी है वहां पर, तो जब 20 साल से अगर किसी पार्टी के ऊपर भरोसा है तो अचानक से भरोसा खत्म नहीं हो जाता है, भरोसा धीरे धीरे खत्म होता है। तो हो सकता है कि पहले के जैसे उनको वोट नहीं मिले, पहले की तरह लोगों के दिलों में वो राज नहीं कर रहे हो, लेकिन अचानक से वो दिलों से नहीं चले जाएंगे, क्योंकि 20 साल कम नहीं होता है। और अचानक से अगर कुछ बदलाव आता है, अचानक से कोई विपक्ष है, अगर विपक्ष के पास बहुत अच्छा एजेंडा है तो विपक्ष भी अच्छा कर सकता है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं हावी हो सकता है, ये मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जी एक बात, इस सवाल का जवाब मैं मांगना चाहूंगी, कांग्रेस जो है वो कमलनाथ का चेहरा सामने लेके आ रही है, हालांकि साफ तौर पे नहीं ला रही लेकिन सबको पता है। लेकिन बीजेपी जो है वो एक भी चेहरा लेके नहीं आ रही, पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर वो एमपी हो, चाहे अन्य राज्य। नहीं नहीं प्रियांशी, अगर आप मोदी की जिक्र बार बार कर रही कि मोदी के चेहरे, मोदी एक ब्रांड है, अगर ब्रांड के साथ हम जा रहे हैं, बीजेपी जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है वहां पर, क्योंकि मोदी एक चेहरा को तो सीएम चलाएंगे ना, उस राज्य को तो सीएम चलाएंगे। राज्य तो देश के अंदर में आ रहा है, अगर राज्य बीजेपी का हुआ तो गठबंधन भी बीजेपी के साथ तालमेल का जो बात अगर करे ना, राज्य और तालमेल की, अगर केंद्र में और राज्य में दोनों जगह अगर बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो तो तालमेल अच्छा हो जाता है ना प्रियांशी। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं आप? हाँ प्रियांशी, क्या कहा आपने, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन कहीं भी हो तो अच्छा काम होता है, थोड़ा फास्ट स्पीड में काम होता है। कि जब पीएम मोदी जब कर्नाटक में चुनाव था, बहुत सारे रैली की और एक ही उनके पास मुद्दा था, डबल इंजन की सरकार, फिर वो डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। देखिए ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या फेल हुई क्या पास हुआ। हाँ, लेकिन अगर जनता की जो समस्याओं की अगर जिक्र की जाए, जनता की विकास, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना,
पीएम मोदी जनता की समस्याओं और इन चीजों पे बात नहीं करती है, पूरी बीजेपी पार्टी की बात करें तो वो सिर्फ इन्हीं बातों पे बात करते हैं कि इनको आरक्षण दे दो, इनको कर दो, वो कर दो। जनता की समस्या की बात करें तो फिर बात आप निराधार बात कर रही हैं। अब एक बात बताइए, बीजेपी का मेन मोटिव क्या है? और उनका एक टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास, विकास का जिक्र उनके टैगलाइन में भी है। आप कैसे कर रहे हो फिर वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात नहीं करते, वो जाति की बात करते, आरक्षण की बात करते। आरक्षण तो कर्नाटक का चुनाव, अगर सॉरी कर्नाटक का चुनाव आपको याद हो, आपने बताई कांग्रेस ने बहुत सारी उनके जो मैनिफेस्टो थे उसमें बहुत सारी चीजें लेके आई थी, वो विकास को लेके बात कर रहे थे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो हनुमान चालीसा पे बात कर रहे थे, हनुमान जी पे बात कर रहे थे, मुस्लिम आरक्षण पे बात कर रहे थे। हाँ, दो चार बातें हैं जो जनता के विकास के लिए होती है, लेकिन जो मेन हाईलाइट है वो हो जाता है मुस्लिम, हिंदू, हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर। तो फिर मैं कैसे मान लूं ये बात? देखिए, बात करें हनुमान मंदिर, हनुमान चालीसा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जो आबादी है बहुसंख्यक जो है हिंदू है, और उनके दिलों और दिमाग पे भी राज्य करना है। सिर्फ और सिर्फ आप विकास की बात करें, विकास बिल्कुल जरूरी है, विकास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक खास जो जिनकी बहुमत है, जो बहुसंख्यक है, उनके दिलों में राज करने के लिए ऐसे बयान देने जरूरी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस को भी देखिए, कहीं ना कहीं वो भी मंदिर जाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को आपने देखा होगा, सोनिया गांधी को आपने देखा होगा, इन लोगों ने आखिर क्यों शुरू किया? ये लोगों के माइंडसेट को पढ़ना और लोगों के जहन में आने के लिए जो जरूरी उन्हें लगता है वो काम करने लग जाते हैं। लेकिन विकास की जो बात होती है, हर सरकार कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चुकता नहीं है कि विकास उनके कार्यकाल में ना हो, लेकिन कोई चुक विकास अच्छा से नहीं कर पाता है, कोई विकास नहीं कर पाता है, लेकिन लोगों को, लोगों के दिलों में अपना जगह बनाए रखता है। तो बीजेपी का अभी फिलहाल में वैसा ही हाल, भले विकास ना करे लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना अच्छे से जानती है। प्रियांशी, एक बार फिर से आप कहिए, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भले काम ना करे लेकिन लोगों को दिलों में जगह बनाना अच्छे से जानती है? अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आप बताओ बीजेपी, आप कैसे करो बीजेपी ने काम नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जाति धर्म और हनुमान चालीसा, श्री राम, इन सारे चीजों का जिक्र करके राजनीति में और भारत हिंदुस्तान में काबिज है। मैंने ये नहीं बोला कि उसने उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है, बहुत सारे राज्य हैं जिनमें उनकी सरकार उनकी है, लेकिन जब वोट मांगने की बात आती है तो बीजेपी क्यों नहीं विकास के नाम पे वोट मांगती है? वो हमेशा दूसरे चीजों पे क्यों खेल लेती है? ये बात है, ये सवाल है मेरा। नहीं, आपने तो मेरे सवाल के बदले सवाल कर दिया आपने। मैंने आपसे सवाल किया था कि ऐसा कौन सा विकास है जो बीजेपी नहीं कर रही है। आपको अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आप देखिए हिंदुस्तान के फिलहाल में, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान की अगर बात करें तो उससे देखिए आप ऐसे में नहीं कर सकती कि सिर्फ और सिर्फ भारत भारत में बीजेपी धर्म की बात कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है, जातिगत बात कर रही है, ऐसा नहीं है। आप उठा करके देखिए, अभी भी बिहार राज्य में जातीय जनगणना शुरू हुआ था, उसके अगेंस्ट में बीजेपी थी। आखिर जातीय जनगणना क्यों हो रही थी वहां पे? ये तो बीजेपी नहीं करवा रहा था। जातीय जनगणना इसलिए हो रही थी कि अच्छा, ये अलग मुद्दा है, जातीय जनगणना की हुई थी, इस पे बात करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। अब हम आप वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमारे पास जितने समय थे वो खत्म हो चुके हैं, तो हम ऐसे ही लाइव जुड़ते रहेंगे। लेकिन लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि जितने भी हैप्पी जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय क्या है, मैं चाहूंगी जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। हम जितने भी सर्वे किया या मैंने भी देखे, जो रिपोर्टर्स जनता से बात करे उस आधार पर वो कांग्रेस को चुन रही है, वो कमलनाथ को पसंद कर रही है। बाकी तो आप के नतीजे ही बताएंगे कि बीजेपी तो बताएगी या कांग्रेस। जनता जो है वो कमेंट करके बतलाए कि वो किसको लाना चाहती है, और सारे जनता के लिए बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से सारे फिर से आप कलेक्ट कीजिए आंकड़ा, और फिर अगले बार हम बैठेंगे साथ में, और फिर जनता का रुख किधर है फिर हम उसको लेकर के बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।